कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजत नाही। कबीर के इस दोहे को छत्तीसगढ़ के एक पंथ ने काफ़ी पहले ही अपना लिया और उसने मंदिर या फिर किसी मूर्ति की पूजा करने की बजाय खुद के तन को मंदिर बना लिया और पूरे शरीर में राम राम लिखवा लिया। अब इस संप्रदाय इस पंथ की कहानी पूरे विश्व में प्रचलित हो चुकी है। राम नाम का लोटा राम राम लोट सके सो लोट अंत समय पछताए। हसी राम खुशी राम सुख राम दुख राम राम खाना राम 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 ही पीना राम ओढ़ना राम ही बिछौना राम ही रोना राम गाना राम ही पहनना मन राम और तन भी राम। ऐसा ही है छत्तीसगढ़ का राम नामी पंथ। राम की पूजा के लिए मंदिर या मूर्ति की जरूरत नहीं, तन ही मंदिर है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के चंदलडीह गांव के 82 वर्षीय रामनामी तिरहुराम बरभव रामनामी पंथ को कुछ इस तरह ही बयां करते हैं। हमन निराकार रोज राम राम ला भजन करथन और शरीर में लिखाए बजे दे लिखा के जतका अभी लिखे कही तब हो लिख देव हाथ मन में हमन के मन में बसे तत्सन तत्सन हम लिख के ना हमन भजन गाथन और मंदिर वे नहीं जान हमर तन ला बना दा रहे मंदिर सुना हो राम राम गाते, गाते, राम नामी पंथ की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई इसके कोई ठोस दस्तावेज नहीं है, लेकिन रामनामियों में एक आम सहमति है कि 1890 के दशक में जांजगीर चांपा के एक गांव में चारपारा में एक दलित युवक परशुराम ने रामनामी संप्रदाय की स्थापना की। ये खामोश क्रांति थी जाति व्यवस्था के खिलाफ। ये रामनामी एक विचारधारा है, इसमें किसी प्रकार का जाति धर्म का बंधन नहीं है। और शुरुआत की बात कहें तो ये करीब 1870-80 जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब उस समय जाति पाति वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच भेदभाव ज़्यादा हावी था। तब हमारे पूर्वजों के लोगों को बताते हैं कि मंदिर में जाने से निषेध कर दिया गया, रोक दिया गया। तब हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर पर राम राम का नाम लिखाकर अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया। रामनामी पंथ के लोग शरीर पर राम राम का गुदना यानी स्थाई टैटू बनवाते हैं, राम राम लिखे कपड़े धारण करते हैं, राम नाम लिखा मोर की पंख से बना मुकुट पहनते हैं, राम नाम लिखा घुंघरू बजाते हैं, घरों की दीवारों पर राम राम लिखवाते हैं, आपस में एक दूसरे का अभिवादन राम राम कहकर करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को राम राम के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से भी कोई रामनामी बन सकता है? कि रामनामी का मुख्य उद्देश्य है कि भोजन में शाकाहार लें, बलि प्रथा जीवहत्या बंद हो, किसी प्रकार की मादक द्रव्य का सेवन न करें और मन से वचन से कर्म से हम राम पर राम में विश्वास रखें और किसी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा न करें। सनातन को मानने वालों में राम भक्ति को लेकर अपने अलग अलग तर्क हैं, अलग तरीके। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, राम नामियों के राम कौन है? हम लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन हम मूर्ति पूजा वाला नहीं है, हम नाम भजने वाला है। मूर्ति का हम होम धूप नहीं देते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, दीपक नहीं देते हैं, नारियल नहीं चघाते हैं, फूल नहीं देते हैं। हम तो नाम भजोइया हैं, नाम का जानते हैं, मूर्ति को नहीं करते हैं हम। हमारे जो जैतखाम बनाते हैं हम मूर्ति नहीं बैठाते हैं, हम नाम लिखते हैं हमारा शरीर में कपड़ा में सब में, हमारे घर में भी हम राम राम लिखाया है। राम सबके शरीर में है, आपके में है, हमारा में है, सबके में राम, किसी को नहीं छोड़ा है। राम हमारे लिए है तो राम ही ईश्वर ही है, राम हमारा सब कुछ है,
माता पिता हम वही को मानते हैं, राम सब कुछ है हमारा, हम उसे खाते पीते जागते सभी समय हम राम का नाम जपते हैं। राम न दोष न दोष दुख दास भय भव पार राम राम। जातिगत व्यवस्था में दलित वर्ग से आने वाले राम नामी पंथ के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन ये राम नामी जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी उत्सव विवाह या अन्य कर्मकांड के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करते, सुख हो या दुख राम का भजन गाते हैं और राम राम जपते हैं। तुलसी कहते हैं कि अगर राम से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो फिर सिर मुराने, साधु बनने, घर छोड़ने या वैराग्य धारण करने का कोई अर्थ नहीं है। राम अगर चाहिए तो उन्हें दिल से हृदय से प्रेम करने की जरूरत है। राम नामियों में यही देखने को मिलता है। राम नामी मृत्यु के बाद हिंदू रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार शरीर को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। हालांकि इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं बल्कि इनकी आस्था का एक रोचक तर्क है। मृत्यु के बाद इस शरीर को हम जलाते नहीं है, वो इसलिए नहीं कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है, वो इसलिए कि राम नाम जो हमारे शरीर में जो लिखा हुआ है इसको हम सामने में जलाना नहीं चाहते, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। कण कण में बसे हैं राम, सबके अपने अपने राम। राम पर आस्था को मजबूती देने भले ही नारे प्रभावी हों, लेकिन एक स्याह सच है कि रामनामियों को अपने हिस्से के राम के लिए न सिर्फ सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी बल्कि अदालती लड़ाई भी लड़नी पड़ी। सन 1912 में रामनामियों को रायपुर की कोर्ट से ऐतिहासिक जीत मिली। उस समय जब जाति-पाति वर्ण व्यवस्था था, 1870 की बात है, उस समय जितने भी SC ST OBC लोगों को नहीं जाने देते थे मंदिरों में, उस समय जब हमारे लोगों को जाने नहीं दे गया तो हमारे ऊपर अदालत भी किया गया, कोर्ट भी किया कि ये हमारे दशरथ पुत्र राम को जप कर अपवित्र कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों के ऊपर अदालत भी किया गया, तब हमारे लोगों को बुलाया गया 3 साल पैसे चला। ओ राम राम रवि के कमल अनेक है, कमलन के रवि एक, राम राम के भक्त अनेक है, भक्तन के राम राम एक, जैसे सूर्य एक है उनके कमल अनेक है, कमल फूल जो खिलता है विश्व में, तो जब सूर्य उदय होता है तभी वो कमल खिलता है, तो रवि के कमल अनेक हैं परंतु कमलन के रवि एक, और राम राम के भक्त अनेक हैं भक्तन के राम राम एक, उसी प्रकार राम राम एक है उसके भक्त अनेक हैं चाहे आप किसी नाम से पुकारिए। मुकुट कैसे तैयार करते हो आप लोग? ये जो मुकुट होता है हमारा रामनामी मुकुट बोलते हैं इसको, तो ये हम लोग मयूर का पंख। रामनामी अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं मोर मुकुट को तैयार करने, कपड़ों पर राम नाम लिखने, शरीर पर राम नाम गुदवाने जैसे कठिन काम भी खुद करते हैं। जंगलों में झड़ता है इसको, वहाँ के लोग लोकल लोग इसको एकत्रित करके मार्केट में। इतना ही नहीं, कपड़ों पर लिखने के लिए स्याही भी प्राकृतिक ढंग से खुद ही तैयार करते हैं। कि जैसे हम अगर मार्केट में जो बना पेंट यूज करेंगे तो वो 10-20 साल 30 साल बाद उसका रंग जो है धूप के पड़ने से वो फीका हो जाता है, परंतु ये जो इंक जो नेचुरल इंक हम बनाते हैं अपने हाथ से, तो ये इंक हमारे पास 100 साल पुराना कपड़ा भी है, हम आपको दिखाएंगे, तो वो कभी नहीं मिटता, कपड़ा फट जाएगा लेकिन हमारा इंक कभी नहीं मिटेगा, ना उसका जो गाढ़ापन है वो कम नहीं होगा। जातिगत भेदभाव के दंश से जन्मे भक्ति आंदोलन रामनामी अब एक संप्रदाय बन गया है। ऐसे में सवाल यह है कि एक समय में अछूत माने जाने वाले रामनामियों को लेकर क्या सच में कोई सामाजिक परिवर्तन हुआ है? समाज में क्या, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1950 में संविधान लागू हुआ तब से संवैधानिक दृष्टिकोण से क्या हो, तो सब एक है, अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक सबको समान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब गांव देहात में जो प्रथा है जाति पाती ऊंच नीच का, वो तो अभी भी है, लोग अपने जाति में शादी करते हैं, लोग अपने बिरादरी में सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जाति पाती वो ऊंच नीच जो 100 साल पहले रहा वो आज नहीं है, आज तो पूजे जाते हैं, आज तो कोई भी हमारा सम्मान करता है, हमारे चरण धोते हैं, हमारे प्रणाम करते हैं। आधुनिकता के असर से रामनामी भी अछूते नहीं है।
सामाजिक परिवर्तन के साथ ही संप्रदाय के लोगों में भी परिवर्तन आया है। पहले सिर्फ खेती किसानी पर निर्भर रहने वाले रामनामी अब नौकरी की चाह भी रखते हैं, रहन सहन भी बदल रहा है। पहले पूरे शरीर में राम राम गुदवाने वाले रामनामियों की नई पीढ़ी अब हाथ में एक या दो जगह ही राम राम गुदवा रही है, इसके पीछे भी अपने तर्क हैं। उसका कारण है कि जैसे युवा पीढ़ी है तो वो लोग बाहर जॉब करना पड़ता है। पहले क्या लोकतंत्र था, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में लोगों को बाहर जाने कमाने खाने ऐसी आवश्यकता नहीं थी। जब लोकतंत्र आया तब सभी को अपनी स्वयं का अधिकार मिला, तो सब सेल्फ डिपेंड बने, फिर लोग बाहर जाने लगे, कमाने लगे, खाने लगे, अलग से जॉब्स वगैरह करने लगे। तो उसके कारण क्या है, युवा जो है टैटू थोड़ा सा कम हुआ है बस। रामनामियों का दावा है कि शुरुआती दौर में इनकी संख्या लाखों में थी, लेकिन वर्तमान में जांजगीर, सक्ती, सारंगगढ़, बलौदाबाजार, बिलासपुर जिले के ही कुछ गांव में रामनामी संप्रदाय को मानने वाले मिलते हैं, जिनकी कुल संख्या हजार के आसपास ही बची है। परंपरा चलते चलते आ रहा है हमारा, तो हम परंपरा को हम निभा रहा है, और हमारे बच्चा लोग भी कुछ नहीं खाते पीते हैं। अभी हमारे नाती पोता है, वो भी अभी कुछ नशा पान नहीं करते हैं, तमाकुल गुटखा नहीं खाते हैं। रामनामी अपने संप्रदाय को एकजुट रखने और संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा आयोजन साल में एक विशेष तिथि को बड़ा मेला के नाम से होता है। ये मेला 115 सालों से आयोजित हो रहा है। इसे नियति कहे या महत संयोग कि इसी विशेष तिथि को अयोध्या में राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये भी जो हो रहा है वो 115वां वर्ष है, तो उसमें प्रति वर्ष ये बड़ा भजन मेला ग्राम पीरदा से चालू हुआ, एक बार नदी के उस पार, दूसरी बार इस पार महानदी के, फिर तीसरी बार उस कोने में रायगढ़ कोने में, और चौथी बार इधर सारंगढ़, और फिर इधर बिलासपुर, फिर इधर बिलाईगढ़। ऐसा मतलब एक प्रक्रिया चलते हुए आ रहा है, और वही हमारा बड़ा भजन मेला है। ये पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर त्रयोदशी तक 3 दिन का बड़ा भजन मेला लगता है। उस भजन मेले में सभी प्रकार के संतों को, राम रामजनों को बुलाया जाता है। राम की भक्ति के अपने अनोखे तरीके के लिए रामनामियों को भले ही पूरे विश्व में अलग पहचान मिली हो, लेकिन रामनामी के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारें उदासीन ही नजर आती हैं। रामनामियों की सबसे अधिक संख्या वाले सारंगगढ़ जिले के चंदलडीह गांव में पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। रामनामियों का एकमात्र कम्युनिटी सेंटर झोपड़ी नुमा मकान से चल रहा है। बरसाती नालों से घिरा रामनामियों का गांव चंदलीडीह बारिश के दिनों में पूरी तरह कट जाता है। गांव में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। रामनामियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी शासकीय आयोजन नहीं होता है। लेकिन जो भी सरकार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज राम वन गमन पथ के नाम से करोड़ों अरबों खरबों रुपए लुटा रहे हैं। हमारे गांव की स्थिति देखिए, ये रामनामी बाहुल्य ग्राम है। यहाँ जितने रामनामी बसते हैं उतना शायद कहीं भी नहीं है, किसी गांव में आपको एक मिलेंगे, कहीं मिलेंगे ही नहीं। और हमारे गाँव की दुर्दशा देखिए, नदी में पुल नहीं है, गाँव में आने जाने के मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं है। और ये बात तो छोड़िए, ये गांव की समस्या है। जब बच्चे हमारे स्कूल जाते रहते हैं तो 3 दिन तक नाले में बाढ़ आ जाता है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। माँ गर्भवती बच्चे को जन्मने के लिए जब बाढ़ आ जाती है तो यही प्रसव होना करना पड़ता है, या जब नाले में कम रहता है बाढ़ तो उसको खाट से उठाकर ले जाया जाता है। तो समस्या तो बहुत सारी है। रही बात राम नाम की, तो आज तक किसी भी सरकार ने जिस टाइप से, जिस हिसाब से करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। ये करीब 1910 के आसपास 10 लाख रामनामी हुआ करते थे। उस समय केवल 3 जिले थे, बिलासपुर जिला जिसमें वो सारे कोरबा तक आते थे, आपका जांजगीर, सक्ती और रायपुर जिला जिसमें पूरा यहाँ तक आते थे, सारंगढ़ तक और रायगढ़ जिला, 3 जिलों में रहते थे रामनामी 10 लाख। आज
दस लाख से दस हजार से हजार में आ गए हैं, तो इनकी संरक्षण और संवर्धन और ये कैसे आगे बढ़े, इस विषय में भी अगर कोई धर्म परायण राजा हो तो करनी चाहिए। इस रामयुग में खुद की पहचान बचाए रखने की चिंता रामनामियों में दिखती है, फिर भी अपने आप में अलग संस्कृति को समेट राम के ये अनोखे भक्त दिन से लेकर रात तक राम भजन गाते, राम की धुन में नाचते, अस्त व्यस्त और मस्त रहते हैं। सारंगढ़ से अपने सहयोगी नीलेश त्रिपाठी और प्रवीण साहू के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।